नमस्कार कस्टमर्स, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप सबको पता होगा कि हम लोग पजेशन की तैयारी कर रहे हैं, हैंडओवर शुरू करने जा रहे हैं फेज़ वन में। तो उससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे सारे कस्टमर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है कि क्या आपने जो प्रॉपर्टी पे TDS लगता है वो आपने पे किया है अभी तक या नहीं किया है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख या उससे ज़्यादा है, जो भी आपके अलॉटमेंट लेटर होगा, जो भी आपके पास अग्रीमेंट होगा, उसमें आप देखें अगर आपकी प्रॉपर्टी का कॉस्ट इफ़ इट इज़ मोर देन 50 लैक्स, देन यू हैव टू डिडक्ट 1% ऑफ TDS फ्रॉम द प्रॉपर्टी वैल्यू और वो आपको TDS जमा करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो अभी गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से अगर आपने TDS पे नहीं किया है तो आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। तो ये जो लास्ट का टाइम है इसमें आप से रिक्वेस्ट ये है कि आप अगर आपने अभी तक अगर TDS नहीं पे किया है तो आप जल्दी से अपने CA को कॉन्टैक्ट करें और उनसे आप 1% TDS पे कराएं। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये GST की तरह ये TDS नहीं है। दिस इज़ नॉट 100 रुपये के ऊपर 1 रुपया और देना है आपको। ये आपके प्रॉपर्टी के कॉस्ट का पार्ट है। जैसे आपका मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी का कॉस्ट 60 लाख रुपीज़ है, तो आपको 60,000 रुपये 1% बनता है, वो आपको पे करना है। 60,000 रुपये आप उसी 60 लाख में से काटेंगे, बाकी का 59,40,000 आप हमको डायरेक्टली पे करेंगे, 60,000 आप टैक्स पे करेंगे TDS, और वो आप हमको उसका जो चलान होता है, उसका जो फॉर्म 16B होता है, वो आप हमको प्रोवाइड करेंगे। वो भी जो रिसिप्ट सेल डीड में आपके मेंशन होंगे उसमें वो TDS का सर्टिफिकेट नंबर भी मेंशन होगा और तब जाके आपकी रजिस्ट्री हो पाएगी। आप कह सकते हैं कि आप क्यों नहीं ये TDS आप बिल्डर क्यों नहीं पे कर लेता है, तो मैं इसमें आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट का रूल है उसमें साफ साफ ये मेंशन है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट TDS ऑन प्रॉपर्टी सेल रेस्ट सोलली विद द बायर इवन इफ इट इज फाइनेंस्ड बाय होम लोन और प्रॉपर्टी इज परचेज फ्रॉम द बिल्डर। In some cases, bank can deduct TDS on property from disbursement and help in depositing TDS on buyer's behalf, but they are not obliged to do so. कोई आपको suggest कर सकता है, help कर सकता है, पर वो pay नहीं कर सकता है। Pay आपको ही करना है। आपने loan भी लिया होगा तो loan वालों जो भी bank होता है वो भी आपको 1% TDS काट के आपको 10 लाख का disbursement आपने मांगा है तो 10 लाख में से वो 1% TDS काट के आपको pay करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि 1% आपको पे करना होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसमें कितना परसेंट, 1%, जैसा कि मैंने आपको बताया आपको 1% करना है। बीच में कोविड के टाइम पे 0.75 था, तो वो 0.75 दैट विल रिमेन सेम एज 0.75, बट ओवरऑल अगर आप आज करने वाले, क्या होगा अगर आपने TDS अभी तक पे नहीं किया है, क्या आपको पेनल्टी लगेगा, क्या आपको फाइन लगेगा? तो मैं उसको एक वे आउट आपको बता रहा हूं। इसके अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि TDS जो प्रॉपर्टी का है वो रजिस्ट्री से पहले पे होना चाहिए। तो अगर आपने पे नहीं किया है तो कोई क्राइम नहीं किया है, बस आप इसको जब आप उसको पे करेंगे उस टाइम पे जो फॉर्म भरी जाती है दैट इज कॉल्ड फॉर्म 26QB, उसमें आप TDS डिडक्शन का जो डेट है वो जो आप आने वाले टाइम पे जो पिंटेल को आप पे करने वाले हो या जो भी बिल्डर को आप पे करने वाले हो वो जो डेट होगी वही डेट आप डालिए, पुरानी कोई डेट मत डालिए। अगर आप पुरानी डेट डाल देंगे TDS डिडक्शन की तो आपको फाइन हो सकता है, आपको नोटिस भी आ सकती है इनकम टैक्स की। तो आपको जो डेट है वो जो आप आने वाले टाइम पे करने वाले हो या अभी आप पे करने वाले हो हाल फिलहाल में, उसी में से आप उसको डिडक्ट करें। इसमें मैं आपको इसके थोड़े स्टेप्स भी बताना चाहूंगा कि कैसे आप TDS घर बैठे आप भी पे कर सकते हैं, जो भी हमारे अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो। बहुत सिंपल सा है स्टेप, इसके स्टेप्स हैं जिससे आप इसको पे कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे। आप NSDL वेबसाइट जो है www.tin-nsdl.com, इस लिंक पे आप जाएं, इस वेबसाइट को आप लॉगिन करें, उसमें TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी को आप चूज करें, उसके बाद 26QB का उसमें ऑप्शन आएगा, आप 26QB आप फिल करें, उसमें जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है 26QB जब आप खोलेंगे तो उसमें लेफ्ट और राइट दो ऑप्शंस आएंगे। लेफ्ट साइड में नॉर्मली जो आपका डिटेल भरा जाएगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके प्रॉपर्टी के रिलेटेड,
राइट साइड पे बिल्डर का आपको भरना है। बिल्डर का इन्फॉर्मेशन आपको जो चाहिए वो नॉर्मली हमारे हर जो भी हम आपको डॉक्यूमेंट भेजते हैं उसके बॉटम में लिखा होता है। पैन कार्ड नंबर हमारा चाहिए होगा आपको, बिल्डर का पैन कार्ड चाहिए, बिल्डर का एड्रेस चाहिए, बिल्डर का मोबाइल कोई एक नंबर चाहिए होगा, बिल्डर का ईमेल आईडी चाहिए होगा। बाकी आपसे ही रिलेटेड है, आपके पास सब होगा, आपका प्रॉपर्टी का कॉस्ट क्या है ताकि 1% कैलकुलेट हो जाए, और आपका अपना एड्रेस, प्रॉपर्टी का एड्रेस, प्रॉपर्टी का एड्रेस जो प्लॉट नंबर है आपका वो डाल दीजिए, बाकी टाउनशिप का नाम डाल दीजिए, ये सब है। ये भरने के बाद जब आप 26 QB भरते जाएंगे, भरने के बाद प्रोसीड आगे कीजिए और लास्ट में कॉन्फर्मेशन स्क्रीन आएगा और फिर पेमेंट ऑप्शन आएगा ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो वहीं के वहीं, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, सीधा आपको चालान मिल जाएगा। अगर आपके पास नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं तो आप ऑफलाइन करिए, 2 दिन के अंदर फिर उस 26 QB और जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट आया उसके साथ आप ब्रांच में जाइए जहाँ पर टैक्स पे होता है और वहाँ जाके आप इसको पे कर सकते हैं। तो इन स्टेप्स को यूज़ करके बहुत इजी है, आप ऑनलाइन भी जाएंगे, आपको कोई दिक्कत हो आपको आप हम लोगों को कॉल करें, हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। पर ये TDS जरूर जमा कराएं अगर आपकी प्रॉपर्टी का कॉस्ट 50 लाख के बराबर या उससे ज़्यादा है तो, ये आपको करना मस्ट है। क्योंकि ये लास्ट टाइम पे जब आप रजिस्ट्री का आपको इंटीमेशन ऑफ पोजेशन हमारे साइड से आ गया तब आप इसको करेंगे तो थोड़ा हड़बड़ी हो जाएगा, इसलिए मेरा सजेशन आपको यही है कि आप इस चीज़ को अभी ही कर लें। एक बार जब आप इसको टैक्स को पे कर देते हैं तो टैक्स को पे करने के बाद जो हमारा आपका जो ट्रेसेस का साइट होगा, आपके CA भी इसको बताएंगे, ट्रेसेस के साइट पे आपको 5 दिन के बाद आफ्टर पेइंग दी टैक्स यू कैन डाउनलोड दी फॉर्म 16B आफ्टर 5 डेज। कब आपको पे करना है, मतलब लीगली आपको कब पे करना चाहिए, जो भी आप पेमेंट करने वाले हो अगला, जहां पे आप ये टैक्स निकालने वाले हो, अगर आपने जब जब गवर्नमेंट को बताया कि मैंने एक प्रॉपर्टी के परचेज में 5 लाख दिया है तब तब आपको पे करना चाहिए था, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो अभी जब आप अगला पेमेंट करेंगे तो जो भी पेमेंट आपने किया है या जो भी आपका प्रॉपर्टी कॉस्ट है उसका 1% आप कैलकुलेट करके आप उसको पे कर सकते हैं। जब आप जो डेट आप दिखाने वाले हो डिडक्शन डेट, वहां से TDS जो है वो 30 दिन के अंदर वो होना चाहिए, within 30 days। द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ TDS ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज 30 days फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड। सो दैट मीन्स इफ यू आर पेइंग द पेमेंट या डिडक्टिंग द TDS ऑन 20th ऑफ लेट से टुडे इज 18th ऑफ जुलाई, तो आपको पूरा अगस्त का टाइम मिल रहा है, पूरा अगस्त के अंदर आप उसको पे कर दीजिए, आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है और पूरा अगस्त पे कर लीजिए। उसके बाद 5 दिन के अंदर आपको फॉर्म 16B आ जाता है और 7 दिन के अंदर उसके नेक्स्ट आप हमको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कहीं भी आपको लगेगा कि हमारी हेल्प की आवश्यकता है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। सो इसको आप कर लीजिए और बाकी हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। आई होप जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपके काम आएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी ये TDS वाला मैटर है उसको आप पे कर लेंगे, समय रहते कर लेंगे, जिससे आपको आगे इसकी दिक्कत नहीं आए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।